देश में कोरोना एक विकराल महामारी का रूप ले चुका है। दिन ब दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही कोरोना से होने वाली मृतक दर में भी तेजी आ रही है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित होने वाली मृत्यु के शव को उनके परिजनों को नहीं सौंपा जाता, नगर पालिका के कर्मचारी ही उसका संस्कार करते हैं। कोरोना से होने वाली मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका को सूचित करता है। सूचना पाकर नगर पालिका की टीम पीपीटी किट पहनकर मृतक का शव लेने अस्पताल पहुंचती है और परिजनों द्वारा निर्धारित जगह पर जाकर संक्रमित मृतक का दाह संस्कार कर दिया जाता है। संस्कार से पहले परिजनों को अपने प्रियजन के अंतिम दर्शन करने की अनुमति भी नहीं होती, लेकिन संस्कार के बाद परिजनों को अस्थियों को लेकर जाने की अनुमति है, जिसके बाद वे पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर अस्थियों को गंगा या किसी भी धार्मिक स्थल पर विसर्जित कर सकते हैं। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना वायरस 70 डिग्री तापमान से ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता। संस्कार के समय तापमान काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण अस्थियों में वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहना है डिप्टी सीएमओ हनुमान सिंह का। गुरचन नाम की एक महिला जो कि 75 साल बताई गई है, 75 साल की थी, वो एक्सपायर हुई है अग्रवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना से। साथ में कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी बताई गई है उनको, लेकिन अभी लिखित में कुछ नहीं आया। लिखित में आने के बाद पता चलेगा किस कारण से डेथ। अस्थियों का ये है कि अस्थियां वो ले सकते हैं कोई भी जो मरीज का जो रिश्तेदार है, अगर वो चाहे अस्थियों को लेना तो वो ले सकता है, और उसको गंगा में अगर प्रवाहित करना चाहे तो गंगा में भी प्रवाहित कर सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान पर जीवित ही नहीं रहता, और इसके अंदर हजारों डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो कोई भी चीज़ उसमें नहीं बचेगी, कोई वायरस इस तरह का नहीं बचेगा।